बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम राउंड रोस्ट करेंगे। इसके तीन चार स्टेप हैं। सबसे पहला जो है इसमें नमक और पानी जाएगा। राउंड को अच्छी तरह धो के इसको टक लगा लें। अगर बुचर से लगवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना खुद छुरी के साथ इसको टक लगा लें ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। सबसे पहले इसमें पानी जाएगा। इसमें दो चम्मच जो है ये नमक जाएगा। इस नमक वाले पानी में इसको एक डेढ़ घंटे के लिए भिगो देंगे ताकि नमक जो है वो अंदर अच्छी तरह चला जाए इसके। थोड़ी देर बाद इसको पलट देंगे आके, इसको डेढ़ से दो घंटे के लिए इसमें भिगा रहने देंगे, बाद में इसमें मसाला लगाएंगे। दो घंटे के लिए इसको नमक वाले पानी में भिगो दिया हुआ था, अब इसको पानी फेंक दिया इसका। ये थोड़ी देर मैंने टोकरी में रखी थी, अब खुशक होगी, पानी नहीं है इसमें। अब इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में नमक है दो चम्मच, दो चम्मच हमने पानी में डाला था, दो चम्मच ये है, चार चम्मच लाल मिर्च है जिसमें से दो पिसी हुई और दो कुटी हुई, हाफ टी स्पून हल्दी है, थोड़ा सा फूड कलर है, दो चम्मच सूखा धनिया और एक टीस्पून काली मिर्च है, एक चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, एक चम्मच ये लहसुन का पाउडर है, एक चम्मच ये अदरक का पाउडर और एक चम्मच ये खटाई पाउडर है जिसको आमचूर भी कहते हैं, और ये आधी प्याली लेमन जूस है। दो तीन चम्मच इसमें दही के जाएंगे और ये मसाला मिक्स कर लेंगे। एक बाउल में सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। दो से तीन चम्मच देंगे, और ये लेमन जूस तो अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करके फिर उस पर राम पे इसको लगा। ये मसाला देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया, अब इसको राम पे अच्छी तरह लगा। इसके कट है इसके अंदर अच्छी तरह मसाज करके इसको लगा दें ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। दूसरी तरफ भी अच्छी तरह लगा लें। इसके टक जो लगे हुए हैं इसके अंदर मसाला अच्छी तरह चला जाए। नमक वाले पानी का ये फायदा होता है कि नमक जो है ना इसके अंदर गोश्त के चला जाता है, फीकी नहीं अंदर से रहती। इसको अच्छी तरह लगा के इसको ओवरनाइट छोड़ेंगे इंशाल्लाह, फिर बाकी जो इसका वो ये कल करेंगे। इसको अच्छी तरह साफ करके मसाला सारा इसके ऊपर लगा दें, इसको एक रात के लिए छोड़ दें, इसको कवर कर देते हैं। इसको कवर करके रख देते हैं।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो तकरीबन 24 घंटे में मसाला लगेगा। मसाला इसमें काफ़ी अच्छी तरह लग गया। अब इसको किसी बड़े पैन में अगर आपके पास बड़ा प्रेशर है तो उसमें प्रेशर कर लें, सीटी दे दें एक आधी। एक गिलास इसमें पानी डाल दें, इसके दरमियान में देखते रहेंगे, अगर पानी खुशक हो जाएगा और गोश्त ना गला हुआ तो और पानी डाल देंगे, क्योंकि गोश्त ने भी अपना भी पानी छोड़ना। चलिए इसको कवर करके तो चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। इसका पानी खुशक हो गया और ये गल भी नहीं है। अगर आपके पास बड़ा प्रेशर है तो उसमें कोई आधा घंटा इसको प्रेशर दे दें। मेरे पास बड़ा नहीं था, पतीला था, तो इस मैंने इसी में कर लिया, हो गया। चलिए अब इसको ओवन में रखेंगे हम। इसका जो मसाला है ये भी इसके अंदर ही डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, इसमें ऑयल नहीं था डाला, इसमें हम डालेंगे बटर। 3 से 4 चम्मच बटर जाएगा इसमें। और ये 2 आलू मैंने काट दिए, धो ले अच्छी तरह, छिलके समेत इसमें डालेंगे। ये इसी पानी में, इसमें मसाले में गल जाएंगे। इसको अच्छी तरह कवर कर देंगे। इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट इसको ओवन में रखेंगे और इंशाल्लाह ये रोस्ट हो जाएगी।